बेटे का जो क्रियाक्रम था वो भी अपने पुत्र वधु से करवाया और श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने बहू को उसके घर भेज दिया। उन्होंने उसके घर वालों से उसकी दूसरी शादी करवाने का अनुरोध भी किया। बहू ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह उनके पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। उसे इस बात की चिंता थी कि बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, उन्हें दवाई कौन देगा, उन्हें खाना कौन खिलाएगा। लेकिन बाल गोविंद भक्त अपने कारण बहू का जीवन खराब नहीं करना चाहते थे और वे जीवन में संन्यास लेने के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने उसे घर छोड़ने की धमकी दी। यदि वे अपने पिता के घर नहीं गई तो वे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर पुत्र वधु अपने घर लौट गई। अब उस समय की बात कर रहे हैं हम, पुरानी मान्यताओं को बाल गोविंद भक्त जी नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधु से ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाया, मुखाग्नि भी उनसे दिलवाई और उसको अपने घर भेजने का निर्णय भी कर लिया। और उसके जो घर वाले थे, उसकी पुत्र वधु के घर वाले थे, उसको उनको आदेश दिया कि इनकी पुत्र वधु की दूसरी शादी करवा दी जाए। लेकिन उनकी पुत्र वधु ने एक न मानी, लेकिन उसको बाल गोविंद के आगे झुकना ही पड़ा, क्योंकि बाल गोविंद भक्त जी ने कहा कि अगर तुम इस घर से नहीं गई तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। बाल गोविंद भक्त के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई। वे प्रति वर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने वे संतों से मिलते थे। वे हमेशा पैदल जाते थे स्नान, गंगा स्नान के लिए। वो घर से खाकर निकलते थे और वापस अपने ही घर पर आकर खाते थे। वो कहीं रास्ते में कुछ नहीं खाते थे और गंगा स्नान के बहाने वो जाते जरूर थे, लेकिन वहां जाकर वो संतों से मिलते थे। गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। गंगा उनके गांव से कितने कोस दूर थी? 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पी कर चलते थे, जैसा मैंने अभी बताया कि वे अपने ही घर से खा कर चलते थे और वापस अपने ही घर आकर खाते थे। रास्ते भर वे गाते बजाते ही जाते थे। उनको आने जाने में 4 दिन लग जाते थे। अब वे बूढ़े हो गए थे, उनको आने जाने में लगभग 4 दिन का समय लग जाता था, लेकिन जैसे उनकी उम्र जो थी वो अब बूढ़े हो रहे थे, वो बढ़ गई थी। लेकिन उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता रहता था। वो उसी तरह से गाना गाते रहते थे, वो उसी तरह से उपवास करते थे जैसे वो जवानी के दिनों में किया करते थे। इस बार वे गंगा स्नान से लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। जब वो इस बार गंगा स्नान के लिए गए थे, जब वो वापस आए तो उनकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी। बुखार में भी नियम व्रत उन्होंने नहीं तोड़े। जब वो गंगा स्नान के बाद वापस आए तो उनकी तबीयत जो थी थोड़ी खराब रहने लगी। उनको बुखार था, लेकिन बुखार में भी उन्होंने अपने नियम जो थे वो लगातार वैसे ही रखे, क्योंकि वो अपने नियमों के बड़े दृढ़ थे, पक्के थे, जो हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि वो अपने नियमों पर हमेशा अडिग रहते थे। वो अपने नियमों के पक्के थे। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर आराम करने के लिए कहा, परंतु सबका कहना वे हंस कर डाल देते थे। जो भी गांववासी थे, जब भी उनके पास आते थे, सब लोगों ने उन्हें कहा कि आप आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी हंस कर टाल दिया हमेशा की तरह। एक दिन उन्होंने संध्या को गीत गाए, एक दिन शाम के समय वो गीत गा रहे थे, संध्या के समय उन्होंने गीत गाए, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया। रात को उन्होंने उसी तरह से, जैसे वो शाम के समय में गाने गाते थे, लोग आते थे, नाचते थे, गाते थे, उस दिन भी शाम को उन्होंने उसी तरह से गाने गाए, लेकिन क्या हुआ, उनके जो जीवन की माला का धागा था वो टूट गया। लोगों को सुबह बाल गोविंद भक्त के गीतों का स्वर नहीं सुनाई दिया। जब सुबह जो बाल गोविंद भक्त वो सुबह भी गाते थे और शाम को भी गाते थे, जब अगला दिन सुबह हुआ तो बाल गोविंद भक्त जी के स्वर जो थे वो लोगों के कानों में नहीं सुनाई दिए, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिल गई है। तब उनको उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि जो इनकी आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई है।
तो ये हमारा था पार्ट दो, बाल गोविंद भक्त, जिसके बारे में मैंने आपको उसकी दिनचर्या के बारे में, उसकी पुत्र वधु के बारे में हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। थैंक यू।